गुड मॉर्निंग बच्चों, अब आज 12 नवंबर 2020 दिन गुरुवार, विषय संस्कृत, वर्ग तृतीय, पाठ दो की पढ़ाई होने जा रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इसके पहले आप लोगों को पाठ एक की पढ़ाई हो चुकी है। उसमें शुरू में जो अध्याय का शुरू है वह प्रार्थना है, श्लोक है, वह भी आप लोगों को पढ़ा भी दिए और समझा दिए। उसके बाद उसका सही सही अर्थ भी आप लोगों को बतला दिया गया, लिखा दिया गया। आशा है आप लोग याद कर लिए होंगे। आज पाठ दो की पढ़ाई होने जा रही है, उसमें है कह, कौ, के। कह मने होता है कौन, ए कौ मने भी कौन होता है और के मने भी कौन होता है। तीनों का पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। इसमें यही जानना है कि यह तीन रूप में बना हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन रूप में है। कह, कौ, के। एक वचन मतलब होता है एक वस्तु का बोध हो रहा है, और द्विवचन का मतलब होता है दो वस्तु का बोध हो रहा है, और बहुवचन का मतलब होता है दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो रहा है, उसको हम बहुवचन कहते हैं। वचन माने क्या होता है जी, संख्या, नंबर, है ना। तो वचन जिसमें संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, उसको अंग्रेजी में हम लोग नंबर कहते हैं। नंबर आप लोग जो संस्कृत पर आ रहे हैं, हम इसमें वचन कह रहे हैं कि वचन तीन प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें कह जो है एक वचन में है, कौ जो है द्विवचन में है, और के जो है वह बहुवचन में है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आप लोगों को जो किताब है, अब किताब से आप लोगों का पढ़ाई होने जा रही है। आप ध्यान से देखिए, हाथ रखिए किताब पर जहाँ पढ़ाई हो रही है, और समझिए। अयम कहयस्ति, अयम कहयस्ति, आया मतलब होता है यह, कह मतलब होता है कौन, अस्ति मतलब है। यह कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, बता रहा हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका मतलब होता है यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह कौन है। आयाम अध्यापक अस्ति, यह कौन है, यह शिक्षक है। शिक्षक किसको कहते हैं, आप लोगों को बतला दिया गया है पहले पाठ में कि शिक्षक जो अध्यापन का काम करते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनको हम शिक्षक कहते हैं। तो यह अध्यापक है, यह शिक्षक है। इसका संस्कृत का हिंदी हुआ कि यह शिक्षक है। अयम कह अस्ति, अयम मतलब यह, कह मतलब कौन, अस्ति मने है। अभी फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह कौन है। आयाम चिकित्सक है अस्ति, चिकित्सक माने क्या होता है बाबू, तो डॉक्टर होता है। चिकित्सक माने, चिकित्सक मतलब चिकित्सक, डॉक्टर, उसको हम चिकित्सक कहते हैं। चिकित्सक की परिभाषा आप लोगों को बतला दिए गए थे कि जो इलाज करता है, जो रोगियों का इलाज करता है, उसको हम चिकित्सक कहते हैं। तो यह चिकित्सक है। आयाम स्वर्णकार अस्ति, है ना, यह स्वर्णकार है। अयम मतलब यह, स्वर्णकार मतलब होता है सुनार, और अस्ति मतलब है, यह सुनार है। स्वर्णकार किसको कहते हैं, जो सोना का काम करता है, जिसका पेशा सोना है, सोना बेचता है। आप सोना के दुकान में गए होंगे, उसको स्वर्णकार कहते हैं, है ना।
तो यह कौन है? तो यह स्वर्णकार है। इमा क अवस्था, इमा आप देखिए आ गया द्विवचन में, आ गया द्विवचन में, इसमें दो वस्तु का बोध हो रहा है। इमा मतलब होता है ये दोनों, ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? इमा कुंभकार अवस्था, ये दोनों कुम्हार है। कुम्हार किसको कहते हैं जी? जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, मिट्टी का जो चाक से जो घड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी का जो सामान बनाते हैं, उसको हम कुम्हार कहते हैं, है उसे कुम्हार कहा जाता है। तो इसका हिंदी हो गया। अब उसके बाद है इमाओ कवस्त, इमाओ कवस्त, ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? इमाओ मतलब होता है ये दोनों, इमाओ रजका हस्त, ये दोनों कौन है? रजका मतलब होता है धोबी, ये दोनों धोबी है। धोबी किसको कहते हैं? जो कपड़ा को साफ करता है उसको धोबी कहते हैं। इमे के संति, इमे देखो आया तीसरा रूप है इमे, इमे जो है बहुवचन रूप है। कहने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो है इमे मतलब होता है ये सब। इमे मतलब ये सब, ये सब कौन है? के मतलब कौन, ये सब कौन है? इमे मालाकारा संति, ये सब माली है। ये सब कौन है? माली है। माली किसको कहते हैं? जो फूल का काम करता है, फूल तोड़ता है या फूल सींचता है, फूल को जहाँ से हम लोग फूल लाते हैं उसको हम मालाकार कहते हैं। इमे के संति, ये सब कौन है? इमे तचका संति, ये सब तचका मैंने क्या होता है ये बरही, ये सब कौन है? तो बरही है। बरही किसको कहते हैं? जो लकड़ी का सामान बनाता है, जैसा बेंच, कुर्सी, टेबल है, मेज, ये सभी को, हाँ ये सब कौन बनाता है? यह तचका मतलब यह जो है बरही बनाता है ना। अब आगे इमे के संति, ये सब कौन है? ये सब कौन है? इमे किसका संति, ये सब किसान है। ये सब कौन है? ये सब किसान है। किसान किसको कहते हैं? जो हल जोतता है, जो खेती का काम करता है, उसको हम किसान कहते हैं। तो ये हुआ आपका, आपका परिचय भी बता दिया गया कि किसान किसको कहते हैं, मालाकार किसको कहते हैं, और आपका इमा तीनों रूप भी बता दिया गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद यह भी बता दिया गया कि कह जो होता है एक वचन में है, कौ जो है द्विवचन में है, और के जो है बहुवचन में है। सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता दिया गया है, और शब्दार्थ भी आपको लिखा दिए हैं। शब्दार्थ भी नीचे लिखा हुआ है। तचका मतलब होता है अनेक बरही, मालाकारा मतलब अनेक माली, किसका मतलब होता है अनेक किसान। तो ये सारे चीज, सारी बातें जो है आप लोग इसको नोट कर लें, और इसके साथ साथ आप लोग बच्चे, अभी आप लोग बच्चे हैं, क्लास थ्री के वर्ग के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को संस्कृत करने पढ़ने में कठिनाई होगी, क्योंकि यदि आप प्रतिदिन इसका अध्ययन करेंगे संस्कृत का, आप पाठ से पढ़िएगा किताब को दो तीन बार, चार बार, पांच बार, तो आप में रुचि जगेगी, आप में जिज्ञासा जगेगी, आपको पढ़ने का जो है पूरा मन लगेगा। पढ़िएगा तब तो, किताब पढ़ाई पर किताब पढ़िए, कोई कठिनाई नहीं है। संस्कृत एकदम हल्का भी, इसको एकदम पढ़िएगा तो एकदम हल्का लगेगा, और देखिए पढ़ने में मन लगता है, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है कि संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत को पढ़ने में, संस्कृत के जब पढ़िएगा तो देवता लोग भी जो है आपके बात को सुनने से ललायित होते हैं, ऐसा कहा गया है। आप लोग संस्कृत पर जिज्ञासा डालिए, संस्कृत पर को रात में पढ़िए, दो तीन बार पढ़िएगा, चार बार पढ़िएगा, आपको पढ़ने के लिए आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद आप लोग आप किताब निकालेंगे,
क्लास 3 का किताब आपके पास होगा, आप संस्कृत को पाठ 2 में लिखा हुआ है, पाठ 2 कह कह के पुल्लिंग, आप देखिएगा किताब में। और आपका काम है इसको जो हम पढ़ाए हैं आपको मनन करना, आपका काम है याद करना आपका काम।